सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 पाई के यूज करो, 22/7 यूज करो, इनटू आर इज 7 एंड एल इज 25, 7 के साथ 7 कैंसिल, 25 इनटू 12 किसके बराबर आता है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 550 मीटर स्क्वायर, ये इसके कवर सरफेस एरिया का। इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की 210 या फोर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द क्रॉम, इसके क्रॉम को व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, विच इज इक्वल टू टोटल कितना है इसके लिए, तो 550 इनटू रेट कितना है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर पर रेट है, इसको जब लगा के 200 डिवाइड बाय 10 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ये इसके साथ आंसर 1000 तो 0000 21 इनटू 55 बाकी का सब कैलकुलेट करने में क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इज 1155, इसका आंसर टोटल इसकी कॉस्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 7 ये सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे बस वो बैरिकेड किया गया है इससे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से बैरिकेड किया अलग किया गया है, और इसके लिए हमें हमने 60 हॉलो कॉन्स का यूज किया, आपने देखा भी होगा रोड जो बैरिकेड की शेप होते हैं कोने के शेप होते हैं, हाँ रोड को बीच से वो डाल के दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बैरिकेड्स बोलते हैं, कोनिकल शेप में बैरिकेड्स हैं, तो कोन है बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो बेस डायमीटर हाइट 51 मीटर है एंड आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू डिपेंडेंट है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 60 स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और किसी कोनिकल बैरिकेड की आउटर साइड को पेंट करने के लिए रेट दिया गया है 20 स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो इसको पेंट करने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, टोटल कितनी कोन से 50 हॉलो कोन से बैरिकेड सबको हमने क्या करना है ऐड करना है टोटल कॉस्ट कितना है, तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे रोड सरफेस एरिया एक कोण का निकालेंगे फिर उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल कॉस्ट सरफेस एरिया जिसको हम ऐड करते हैं और ऐड दिया गया इसके लिए से तो उसकी कॉस्ट बनी टू 9 का क्वेश्चन नंबर 6 7 के बाद 8 सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया गया सबसे पहले बेस डायमीटर तो कौन बेस डायमीटर ऑफ द कोन इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर व्हिच इंप्लाइज दैट रेडियस आर से डिनोट कर किसके बराबर आएगा 40 अपॉन 2 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, इसको आप 2 अपॉन 10 मीटर देख सकते हो, मीटर्स में इसको भी चेंज किया है, और उसके बाद और दूसरा क्या गिवन है हमारे पास इसकी हाइट 0.2 भी लिख सकते हो, उसको 0.2 मीटर हाइट, हाइट एच किसके बराबर है 1 मीटर, तो व्हिच इंप्लाइज दैट स्लांट हाइट किसके बराबर आएगी स्लांट हाइट फाइंड करो, और सरफेस एरिया निकालो स्लांट हाइट L is equal to root of h square plus r square which is equal to root of h square which is 1 ka square plus 0.2 ka square, ye kiske barabar aa jayega which is equal to root of 1 plus 0.2 ka square kitna aayega 0.02 which is equal to root of 1.02, isko pura
1.04 है 0.2 0.04 1.04 इसका आता 1.02 इसका रूट इतने मीटर्स इसकी स्मार्ट डाइट आ गई तो कवर्ड सरफेस एरिया सरफेस एरिया इसका किसके बराबर होता है
Area of the sphere. इसके बाद आएगा 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है. 4 पाई क्या यूज करोगे, 22 अपॉन 7 यूज करो. 22 अपॉन 7 तो आर स्क्वायर दिखेगा 10.5 इनटू 10.5. इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1.5 आता है. इनको मल्टीप्लाई करो 44 इनटू 1.5 इनटू 10.5. कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आएगी. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर यूज बाय 3.14. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन देखो. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आर से नोट करो कितना दिया गया है. इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर तो इसका आएगा रेडिएशन. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है. 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इनटू पाई इज 3.14 इनटू आर स्क्वायर 10 इनटू 10. 10 टाइम्स 100 को 314 से मल्टीप्लाई किया 3 इनटू 100 14 ये आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में स्पाइरल बैलून इंक्रीज कर रहा है 7 टू 14 सेंटीमीटर एज एयर स्पीड पंप इक्विपमेंट. एक स्पाइरल शेप बैलून का रेडियस 7 सेंटीमीटर पर उसमें एयर पंप कर रहे हैं और उसका रेडियस पंप करने से इंक्रीज हो गया कितना हो गया 14 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बैलून इन द टू केसेस. उसी के उस बैलून की सरफेस एरिया से रेशियो फाइंड करना दोनों केसेस में. पहले रेडियस 7 था हो गया 14 हो गया दोनों केस में क्या है सरफेस एरिया का रेशियो. फर्स्ट केस क्वेश्चन नंबर 4 देखो. फर्स्ट केस में रेडियस आर किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर. तो व्हिच इंप्लाइज दैट और सरफेस एरिया रेशियो कितना फाइंड करना है. सरफेस एरिया उसका
बराबर है 14 सेंटीमीटर. अब रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, व्हिच इंप्लाइज दैट सरफेस एरिया इसके किससे बराबर आएगा, इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4 पाई इनटू R स्क्वायर, जिसे हमने लिखना 14 का स्क्वायर. इसको भी तो आईएस बराबर. नाउ इन दोनों का रेशियो निकालो 4 पाई इनटू 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इनटू 14 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल 7 स्क्वायर को आप लिखोगे 7 इनटू 7 अपॉन 14 इनटू 14 7 माइनस 7 7 को जो 14 इधर भी 1 इधर टू न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 यहां ये 4 क्या करना है, ये 1 अपॉन 4 इधर देखो ये फॉर द रिक्वायर्ड रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो 4 ये इनकी सरफेस एरिया का रेशियो है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 हेमिस्फेरिकल बॉल अक्रॉस है इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, इसकी इनर डायमीटर 10.5 है. कास्ट अ थिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है 16 प्लेस की इन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इनर क्रॉस सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. इनर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये तो वह क्रॉस सरफेस ही होगा. तो ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 5
16/100. 16/100 होते हैं ये सिंगल स्टेज का कौन 100 का जो ये सिंगल स्टेज का और ये वैल्यू क्या आती है इसको तब कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू इसकी आएगी 27.70 प्लीज 27.70